सबको जय यीशु। जय यीशु सिस्टर जी। तुम लोग कैसे हो? अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा लग रहा है, आज क्रिसमस का दिन है ना, आपके साथ में अच्छा लग रहा है। बताओ क्रिसमस क्या है? अच्छा, प्रभु यीशु का जन्म है। संजय, तुम्हारे घर में क्रिसमस कैसे मनाते हैं? क्रिसमस बहुत बड़ा त्योहार है, हम सब घर में धूमधाम से मनाते हैं। हाँ? मेरी माँ ने कहा है कि माँ मरियम और संत यूसुफ के यहाँ बालक यीशु का जन्म हुआ था, इसलिए हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। सही है, संजय ने सही कहा कि क्रिसमस बालक यीशु के जन्म के लिए मनाते हैं। अलका, ये बताओ तुम्हारे वहाँ पर क्रिसमस कैसे मनाते हैं? हमारे घर में केक बनाते हैं। अच्छा, केक बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। हाँ? घर के सामने तारा लटकाते हैं। हुँ? घर को अच्छे से सजाते हैं। मेरे पापा मुझे नए कपड़े दिलाते हैं। अरे वाह, ये तुम्हारे नए कपड़े हैं? हाँ? अच्छा, हाँ। और हमारे पड़ोसियों के घर हम जिंगल बेल गाने हम सब जाते हैं। जब जिंगल बेल गाने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कैरोल सिंगिंग बोलते हैं। कैरोल सिंगिंग के लिए सब लोग आस पड़ोस के घरों में जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, आस पड़ोस के घरों में तुम लोग मिठाइयाँ भी देने जाते हैं? हाँ। तब तो बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस और मेरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस कहकर सब सबको वंदन करते हैं ना। हाँ। ओके, अच्छा ये बताओ क्रिसमस की कहानी तुम लोग जानते हो क्या? नहीं। हाँ। हाँ, कुछ लोग तो जानते होंगे। अच्छा, क्रिसमस की कहानी सुनने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। बताओ छोटे में क्रिसमस की कहानी कौन बताएगा? ठीक है, मैं बताती हूँ। क्रिसमस की कहानी कब शुरू होती है पता है? बहुत हजारों साल पहले से क्रिसमस की कहानी शुरू होती है। वैसे तो वास्तव में 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। आदम और हव्वा को जानते हैं आप लोग? हाँ। कौन थे वो लोग? हाँ, हमारे आदि माता पिता थे आदम और हेवा। अब आदम और हेवा के समय में ऐसा हो गया था कि उनकी गलती के कारण उनको वो बगीचे से जाना पड़ा। तब से लेकर मुक्तिदाता के इंतजार में लोग बैठे हैं, और उसके बाद में भी जब हमारे लोग यानी इज़राइल के लोग गुलामी कर रहे थे, रोमन साम्राज्य की गुलामी कर रहे थे, तब भी वो चाहते थे कि मसीह आ जाए, कोई ऐसा मुक्तिदाता जो उनको बचा सकेगा। तो सब मसीह के इंतजार में थे, और एक समय में ऐसा आया जब ईसाया, नबी ईसाया ने कहा कि एक मुक्तिदाता जन्म लेगा। मुक्तिदाता एक कुवारी से जन्म लेगा, और वो कुवारी कौन थी? माता मरियम। हाँ, माता मरियम की कहानी है ये, और संत यूसुफ की कहानी। तो फिर से समझते हैं। 2000 साल पहले एक गांव में एक आदमी रहता था, जकरियस। जकरियस और उनकी पत्नी थी, पत्नी कौन थी? जकरियस की पत्नी कौन थी? नहीं पता? एलिजाबेथ। जकरियस और एलिजाबेथ के घर में बच्चे नहीं थे, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और वो बूढ़े हो चुके थे। तब क्या हुआ, ये जो जकरियस थे वो मंदिर में काम करते थे, मंदिर में धूपार्पण करते थे। तो जब धूपार्पण करने बारी बारी से उनका बारी निकलता था, तो एक बार उनकी बारी आई। जब वो धूपार्पण करने गए, वो प्रार्थना कर रहे थे मन से, तब स्वर्गदूत वो वेदी के दाएं ओर आके खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और तुम जो इच्छा करते हो वो ही होगा, तुम्हारी पत्नी पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम तुम योहन रखेंगे। लेकिन जकरियस ने कहा, अरे हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हम ये कैसे विश्वास कर ले? तो स्वर्गदूत ने कहा, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, देखो जब तक ये होगा, जब तक आपके पुत्र होगे, तब तक तुम मूक रहोगे, तुम बोल नहीं पाओगे। और वैसा ही हुआ। सब लोग बाहर मंदिर के बाहर खड़े थे कि जकरियस अभी बाहर आ जाएं, लेकिन जकरियस बाहर ही नहीं आ रहे हैं। सब सोचे पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब बाहर आए, सबने पूछा क्या हुआ, तो जकरियस कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो मूक हो गया था, बता ही नहीं पा रहा था। तब सब लोग समझे कोई दिव्य दर्शन मिला होगा। और इस तरह जब जकरियस की बारी खत्म हो गई तो अपने घर चले गए। वहां पर पता चला कि बाद में एलिजाबेथ गर्भवती हुई,
पांच महीने उन्होंने किसी से नहीं बताया, वो छुप छुप छुपाते रहे। और एलिजाबेथ अपने मन में सोचती रही कि देखो प्रभु ने मुझे वरदान दिया है। छठवें महीने में मरियम वहां पर आई, लेकिन मरियम की भी एक कहानी है। मरियम की कहानी कोई जानते हैं क्या? मरियम एक छोटी सी लड़की थी, अच्छी सी प्यारी सी, और प्रभु के कृपा उसको मिली थी। वो एक बार ऐसे खड़ी थी, तब वहां पर स्वर्गदूत गब्रियल आए। गब्रियल ने मरियम से क्या कहा जानते हो? गब्रियल स्वर्गदूत मरियम का वंदन करते हैं और कहते हैं, प्रणाम मरिया, धन्य है तू, सभी नारियों में धन्य है तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। ये सुनकर मरियम डर जाती है और कहती है, मैं तो कुछ नहीं जानती। तब स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा और वह दुनिया का मुक्तिदाता मसीहा होगा। सही है अंजलि, तुमने सही कहा, लेकिन थोड़ी सी बात गलत हो गई। जैसे मरियम को स्वर्गदूत कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तुम पर कृपा दृष्टि देगा। फिर मरियम पूछती है, ये कैसे हो सकता है? वो संकोच दिखाती है। तब स्वर्गदूत कहते हैं, डरिए नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम ईसा रखेंगे। मरियम खुश हो जाती है और ये कहती है कि वो आने वाले सभी लोगों का मुक्तिदाता होगा। इतने देर से जो लोग इंतजार कर रहे थे मसीह के लिए, वही मुक्तिदाता मसीह, जिनके बारे में आदम और हेवा के समय से ही कहा जाता है, जिनके बारे में नबियों ने कहा है और जिनके बारे में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनके आने का इंतजार करते हैं, उसी को कहते हैं मसीहा। और वही मसीहा मरियम के गर्भ से पैदा होने वाला था। तो मरियम ने जवाब क्या दिया, किसी को याद है मरियम ने स्वर्गदूत को क्या जवाब दिया? अलेक्सिया, हाँ मुस्कान बताओ। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। सही है, मरियम ने ये कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ और जैसा आप कहे वैसा मेरे साथ में हो, और वैसा ही हुआ। मरियम गर्भवती हुई, लेकिन मरियम ने क्या किया, वो अपने मौसी के पास गई, जो उनके रिश्तेदार थी ना वहाँ। पता है वो क्यों गई वहाँ पर? मरियम अपने रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने गई और उनके घर पहुँचते ही उनके पेट का बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ता है। वो पेट का बच्चा कौन था? वह बालक योहन होता है। हाँ, वो बालक योहन होता है। पता है मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई और वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पहुंची और उनको देखते ही एलिजाबेथ के घर में जो बच्चा था वो उछल पड़ा। एलिजाबेथ कहती है, धन्य है आप नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल, मेरे इतने भाग्य कि आप मुझसे मिलने आ गए। और तब से लेकर योहन पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अच्छा ये बताओ, योहन की कहानी तुम लोग जानते हो क्या? योहन कौन था और क्या करता था? योहन बाद में जब बड़े हो गए तो वो एक नबी के रूप में वहां पर गलीलिया में सब तरफ स्वर्ग राज्य की घोषणा करते थे, और उन्होंने ही पिता परमेश्वर और पुत्र के मिलन के लिए काम किया, प्रभु येसु के लिए रास्ता सही किया। कैसे? उन्होंने सबसे कहा कि मेरे पीछे आने वाले जो है वही मसीहा है। उन्होंने सबसे कहा कि आप मन परिवर्तन कर लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। अच्छा योहन क्या कपड़े पहनते थे? योहन खाना क्या खाते थे, क्या पीते थे? अरे ये नहीं पता, योहन एक बड़े बड़े नबी थे और इसलिए योहन बपतिस्ता, इसलिए बचपन से ही उनको ना तो मदिरा पिलाई जाती थी ना उनको कुछ ऐसा वैसा खाना दिया जाता था। वो बचपन से ही जंगल में रहते थे, टिड्डिया और जंगल का मधु खाते थे। और वो क्या कपड़े पहनते थे? खाल के कपड़े पहनते थे। और उनका काम क्या था? यही लोगों को समझाना कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। यही बालक येसु एलिजाबेथ के गर्भ में जैसे ही माता मरियम से मिले,
गर्भ में उछल पड़ा, यानी वहां पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा उन पर आ गई। फिर मरियम वहां पर 3 महीने रही एलिजाबेथ के साथ, उसके बाद वहां से वो अपने घर वापस आ गई। मरियम गलीलिया के नजरत में रहते थे, और बात ये नहीं, हमने ये तो नहीं कहा, मरियम की मंगनी हो चुकी थी। मरियम की मंगनी किसके साथ हुई होगी? यूसुफ। हाँ, यूसुफ के साथ में मंगनी हो गई थी, और यूसुफ को पता चला कि मंगनी के की शादी के पहले ही मरियम गर्भवती हो गई। अब क्या, यूसुफ ने सोचा, क्या सोचा होगा यूसुफ के दिमाग में, क्या आया होगा? अरे, यूसुफ के दिमाग में ऐसा आया कि मरियम को छोड़ देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं यहां से चला जाऊंगा और मरियम को छोड़ देंगे। फिर पता है क्या हुआ, लेकिन मरियम को यूसुफ ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? मरियम को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि स्वर्गदूत यूसुफ से मिलने आए और उनसे कुछ कहा। कोई जानता है क्या कहा? हाँ बताओ मुस्कान। यूसुफ दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वे पवित्र आत्मा से है। हाँ, उनके जो गर्भ हुआ है वो पवित्र आत्मा से हुआ है। और फिर क्या कहा? वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। हाँ, वहाँ पर उन्होंने ये सोचा, यूसुफ ने ये सोचा कि मैं मरियम को नहीं त्यागूंगा, और वो उठकर फिर मरियम के पास चले गए। जब राजा ने कहा कि जनगणना करेंगे, तो जनगणना तो अपने अपने नगर में होती है, तो सबको अपने अपने नगर जाना पड़ता है, लेकिन मरियम तो पूरी तरह से गर्भवती, कैसे यात्रा करेगी? फिर भी यूसुफ ने क्या किया, एक गधे को ले लिया और गधे के ऊपर मरियम को बिठाया, और धीरे धीरे कर वो अपने नगर यूदा में, उनके नगर में गए। कौन से नगर में गए होंगे? अच्छा ये बताओ, बालक यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, मुझे मालूम है, बेतलेम में हुआ था बालक यीशु का जन्म। बेतलेम में हुआ था, वेरी गुड एलेक्सिया। बेतलेहम नाम के शहर में बालक यीशु का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि ये उनका नगर था, पुराना नगर, तो वो लोग वहीं पर जनगणना के लिए वहां पर गए, और वहीं बेतलेहम में वो ढूंढने लगे कि कहाँ रहेंगे। उन्होंने सराय में जगह पूछी, कुछ कुछ घरों में जगह पूछी, लेकिन कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी। आखिरी में जब एक जगह पहुंचे, वो सराय में, तो वो सराय का जो मालिक था उसने कहा कि यहाँ तो कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक गौशाला है और उसमें थोड़ी जगह है, तुम वहां रह लो। तो मरियम और यूसुफ वहां गौशाला में रहे, और वहीं पर बालक यीशु का जन्म हुआ। इसलिए तो हम क्रिसमस में क्या बनाते हैं? गौशाला। और गौशाला में बालक यीशु को कहाँ रखते हैं? चरनी में। अब समझ में आया चरनी में बालक यीशु को क्यों रखते हैं? देखो, मुक्तिदाता प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ? गौशाला में। वो गरीब थे, राजा थे, लेकिन फिर भी गरीबी में पैदा हुए। बालक यीशु का जब जन्म हुआ तो कौन से दिन हुआ? 25 दिसंबर। बालक यीशु का जन्म जिस दिन हुआ, उसी दिन को हम क्रिसमस मनाते हैं। बालक यीशु के जन्म पे वहां आस पड़ोस में कौन खड़े थे? 3 राजा और चरवाहे। हाँ, 3 राजा और चरवाहे। और पास पास कौन खड़े थे? भेड़ बकरियां ने गधे जो गौशाला में थे वो खड़े थे। तो जो गरीब लोग हैं उनके साथ में गरीब लोग ही आते हैं, और बाकी जो ज्ञानी हैं वो भी मिलने आए थे। अब उनकी कहानी बताते हैं, चरवाहों की और ज्ञानियों की कहानी। ये जो ज्ञानी थे वो दूर देश से, उनको पता चला, वो जब पढ़ाई कर रहे थे नक्षत्रों को देखकर, उनकी पढ़ाई कर रहे थे, तब उनको समझ में आया कि कहीं तो एक बालक ने जन्म लिया है। एक शहर है बेतलेहम नाम के शहर में बालक यीशु का जन्म हुआ है, और ये तारा बताते हैं कि वहीं पर मुक्तिदाता भी, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो वो सब मिलने आए अपने अपने देश से, अपने अपने
वो पुरस्कार लेकर आ गए। एक राजा एक देश से आया, दूसरा दूसरे देश से आया, और तीसरे तीसरे देश से आए। ऐसे तीन राजा इकट्ठा होकर ढूंढ ढूंढ कर आए, लेकिन वो पहले कहां पहुंचे? राजमहल पहुंचे। राजमहल में कौन था? राजा हेरोद। राजा हेरोद ने जब ज्ञानियों से मिले और ज्ञानियों ने पूछा नवजात शिशु कहाँ है, बालक जो मुक्तिदाता है, जो राजा है, वो कहाँ है? हेरोद डर गया, वो खुद राजा और एक छोटा और राजा पैदा हो गया, अब इसका क्या? तो उनने क्या सोचा बताओ, राजा हेरोद ने क्या सोचा होगा? राजा हेरोद ने सोचा कि मैं उस बालक को मार दूंगा, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं, तभी उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने ये कहा, ज्ञानियों तुम ढूंढो कि कहां पर नवजात शिशु पैदा हुआ है, ढूंढ कर आओ, और जब पता चले तो मुझे बता देना। और इसी तरह से वो इंतजार में था। और राजा कहां गए? तीनों राजा फिर निकले और वो तारा को देख देख कर जा रहे थे। तारा के पीछे पीछे निकले और कहां पहुंचे होंगे? बेतलेहम शहर में। कहां? हाँ, गौशाला के पास ही तारा जाकर खड़ा हो गया। अब वहां जब वो गए तो क्या देखा कि बालक यीशु चरनी में और मां मरियम और संत यूसुफ वहां पर खड़े हैं। तो इन्होंने अपनी भेंट उनको दे दी, पुरस्कार दिया। एक राजा ने दिया सोना, दूसरे राजा ने दिया लोबा, और तीसरे राजा ने गंधरस। ऐसे अपने अपने जो देश में से वो भेंट लेकर आए थे, वो उन्होंने उस बालक येसु मुक्तिदाता को दे दिया। अब उनके दिमाग में ऐसा आया, उनको स्वर्गदूत ने कहा कि तुम वापस जाते वक्त उस रास्ते नहीं जाना, हेरोद के पास नहीं जाना, वहां पर खतरा है। तो वो गए नहीं, वो वहीं रुके। इतने में चरवाहे की एक कहानी है। चरवाहों की कहानी क्या है? चरवाहे कहां चराते हैं भेड़ बकरियों को? यहां चरवाहों के साथ में मैं एक कहानी बताऊंगी, शालोम की कहानी। शालोम का अर्थ जानते हो? हाँ। शालोम का अर्थ क्या होता है? शांति। हाँ, शालोम याने शांति। एक लड़की थी शालोम, वो चरवाहा थी। वैसे उस जमाने में लड़के चरवाहे बनते, लड़कियां चरवाहे नहीं बनते, लेकिन इनके घर में पांच लड़कियां थी, कोई लड़का नहीं था, और उनके पापा शांत हो चुके थे, मम्मी बहुत बीमार थी। तो इसलिए शालोम ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं चरवाहा बन जाऊंगा ताकि मैं भेड़ बकरियों को चलाकर अपने घर को संभालूं, अपनी छोटी बहनों को संभालूं। उसने और उसकी मम्मी ने मिलकर अपने पूरे बाल काट लिए और लड़कों जैसे हो गए, लड़कों के कपड़े पहने, लड़कों के आवाज में बोलना, और ऐसे डंडा वंडा लेकर वो भेड़ बकरियों के पीछे जंगल में पहाड़ियों में जाती थी। वो ऐसे पहाड़ के एक कोने में जब थी, बैठी थी, तब उसके दूसरे चरवाहे भी बैठे थे। वो बैठकर आकाश में देख रही थी, तो उसने देखा एक तारा चमक रहा है। वो तारे को देखती रही तो तारा चलने लग गया। तो उसने दूसरे चरवाहे साथियों से कहा, देखो तारा चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो पीछे पीछे जाने लगे तो एक जगह पर जाकर तारा रुक गया और स्वर्गदूत आ गए। स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है वहां गौशाले में, वही हमारा तारणहारा है, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति। ऐसे वो तारा के पीछे पीछे फिर गए। कहां पहुंचे वो लोग? बेतलेहम में। कहां? गौशाला में। क्या देखा? बालक येसु चरनी में लेटे हुए हैं और मां मरियम और संत यूसुफ उनके पास खड़े हैं। तो शालोम भी वहीं पर बैठ गई और मुक्तिदाता को देखती रही। तब उसको याद आया, उसकी माँ कहा करती थी कि मुक्तिदाता मसीह आने वाले हैं और वही उनका तारणहारा है। इस तरह से शालोम को बड़ी खुशी हुई और उसे उसकी माँ की सारी बातें याद आ गई। वो कहानी याद आई कि मुक्तिदाता का जन्म होगा और किस तरह से मुक्तिदाता लोगों को बचाएगा। ऐसे सोचते सोचते सब भेड़ बकरियों के बीच शालोम वहां पर सो गई।
अनजाने ही उसको नींद लग गई। थोड़े देर के बाद उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा चारों तरफ कोई भी नहीं है, बस वो संदूक जो थे, सोने का संदूक और जिसमें लोबान और तीसरे में गंधरस, वो संदूक वहां पर पड़े हुए मिले। तो वो चिल्लाने लग गई, येसु येसु कहाँ है, बालक येसु कहाँ है, चरवाहे कहाँ है, राजा कहाँ है, ये चारों तरफ देखने लग गई। तब क्या हुआ, एक स्वर्गदूत आए। पता है स्वर्गदूत ने क्या कहा? शालोम, शालोम याने शांति। शालोम चुप हो गई, लेकिन शालोम ने पूछा, ये लोग कहाँ गए, क्या मैं सपना देख रही थी, बालक येसु मरियम और संत यूसुफ कहाँ गए? तो स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं शालोम, तुम डरो मत, बालक येसु मां मरियम और संत यूसुफ को यहां से दूर एक जगह ले गए हैं ताकि वो हेरोद के तलवार से बच जाएं। क्यों, हेरोद क्या करने वाला था? सारे बालक को मार डालने वाला था। हाँ, मुस्कान ने सही कहा, ये जो हेरोद था बड़ा चंट था वो। उसने क्या सोचा कि मुक्तिदाता पैदा हुआ है तो वो राजा बन जाएगा मुझे मारकर, मुझे मारने से पहले मैं उसी को ही मार दूंगा। तो उसने क्या किया, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, 2 साल से छोटे सारे बच्चों को, उस गांव के, उस देश के, उस नगर के सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया और उनको मार दिया। सब रोते रहे, माँ चिल्लाती रही, बच्चों के माँ चिल्लाते रहे, लेकिन ये लोग तो बच के निकल गए थे। बच के कौन से देश चले गए? हाँ करीना, वो कौन से देश चले गए? हाँ, वो मिस्र देश में चले गए। मिस्र देश में वो वहीं पर छुपे रहे ताकि जब तक हेरोद जीवित है वो वापस नहीं आए। जब हेरोद शांत हो गए तब जाके वो वापस आए, तब तक वहां पर ही रहे। ऐसे है हमारे मुक्तिदाता येसु मसीह का जन्म। लेकिन अब शालोम की कहानी तुमने पूछी नहीं आगे, शालोम का क्या हुआ? शालोम ने स्वर्गदूत से पूछा कि येसु मसीह कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, तुम ये भेंट रख लो। स्वर्गदूत ने उन सभी भेंट, सोना, लोबान और गंधरस शालोम को दे दी। ऐसे शालोम उन भेंटों को लेकर अपने घर अपनी माँ के पास गई और उसकी माँ को उसने सब भेंट दे दिए। इस तरह शालोम की जिंदगी का उद्धार हो गया। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी। बच्चों ये याद रखना कि तुम्हारे जीवन में भी उद्धार होगा, लेकिन उसके लिए प्रभु येसु को याद करना जरूरी है, रोज प्रार्थना करना और प्रभु येसु को अपने जीवन में उतार लेना। जहां भी जाए प्रभु येसु का याद करें। गरीबी में रहे प्रभु येसु गरीबों से प्यार करते हैं। आप और हम लोगों की तरह गरीब लोगों के ही साथ प्रभु येसु रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाए, हम भी अच्छे बन जाएं, बड़े हो जाएं और हमारा जीवन भी सफल हो जाए। येसु को आपके साथ में रखना। बालक येसु बच्चों से प्रेम करते हैं।